हमने आइडेंटिफाई uh, करे हैं हर थाने से हर उस यूनिट से जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है जैसे क्राइम ई ओ डब्ल्यू सी डब्ल्यू सेल या फिर इवन इफ सो तो इस तरह के सेल और इस तरह के यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया है और जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बारे में uh, हमें उन्हें इंफॉमेशन देनी ज़रूरी है उनको आइडेंटिफाई करके हमने उनके बैचेस बना दिए हैं तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल एक थाने से उनके uh, इंस्पेक्टर in जो एस एच ओ उनके इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन और दो सी सी टी टी एन एस ऑपरेटर्स प्लस उनके चार या पांच सब इंस्पेक्टर्स और ए एस आई और हेड कॉन्स्टेबल को हमने लिया है तो ऐसे करके 24 का एक बैच हम हर थाने से ले रहे हैं और वो हर थाने से लेके हम क्या करेंगे कि उसको हमने पांच उसमें हफ्तों में डिवाइड कर दिया है और तीन हफ्ते हमने रखे हैं उन लोगों के लिए जो बच जाएंगे बाद में तो टोटल हमारा जो टारगेट है बाय थर्टियथ ऑफ़ मार्च हम आठ हज़ार आठ सौ लोग बाय थर्टी ऑफ मार्च इलेवन हंड्रेड के बैचेस में ट्रेन करेंगे इसके लिए हमने हमने अपनी जो मेन ट्रेनिंग वो है अकेडमी <coughs> उसको ना छूते हुए हमने जो हमारे मल्टी ट्रेनिंग हॉल्स हैं उनको लिया है जहाँ पे ढाई सौ तीन सौ की कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल हमने ऑडिटोरियम लिया है बारा में द्वारका ट्रेनिंग सेंटर में हमने एक हॉल लिया है झारोडा में भी हमारे पास एक मल्टीपर्पस हॉल था और इसी तरह से वज़ीराबाद में तो इन हॉल्स में लेके हमने जितने भी ये आ, पूरे आ, आ, दिल्ली पुलिस के जो हमें 1100 लोग मिले इनको हमने इनका आवंटन अलग अलग सेंटर्स के लिए कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट डी के जो एक एस होती है उसकी मदद से हम इनकी अटेंडेंस लेके इनको इंश्योर करेंगे कि ये अगले पाँच दिन हमसे ट्रेनिंग लें और इनको हमने तीन किताबें दी हैं तीन किताबों में ये हमारे बी एस बीएनएस और जो साक्ष्य अधिनियम है वो तीन प्लस हमारे एक बुकलेट जो सारे फॉर्म्स इनको रोज़मर्रा की पुलिसिंग में यूज़ करने हैं वो प्लस जो हमारे कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जैसे मर्डर हो गया स्नैचिंग हो गया एम बी थेफ्ट हो गया तो इस तरह के हमने आइडेंटिफाई करके इनको दिए हैं जो ताकि ये लोग इजी स्टेप्स में उसको फॉलो कर सकें और जो नया प्रावधान आया है जो नया आ, जो लॉ बना है उसके जो चेंजेस हैं उसको समझें इसके साथ साथ हमने इसमें दो सेशंस रखे हैं एक रखा है इवैल्यूएशन का जहां हम इन्हें एक टेस्ट देंगे और मल्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होगा और हम इनको बोलेंगे कि जी आप असेस करो कि भाई आप कितने पानी में हो आपको कितनी बात समझ में आई हमारी तो ये हमने किया है और इसके बाद एक सेशन रखा है फीडबैक का जहां हम चाहेंगे कि हमारे ही पढ़ाए हुए लोग हमें फीडबैक दें कि उनको कितनी है मदद मिली और क्या और वो हमसे चाहते हैं ताकि हम नेक्स्ट 1100 उसके अगले 1100 के लिए हम ये इम्प्रूवमेंट ला सकें